एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फुट नोट और एंड नोट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। दोस्तों, कई बार आपने नॉवेल्स किताबें देखी होंगी जहां पर हर पेज के नीचे कुछ नोट्स दिए होते हैं फुटर में, या फिर कई बार वहां पर मार्क तो करा गया होता है बट किताब के एंड में नोट्स दिए होते हैं, तो उनको फुटर, फुट नोट और एंड नोट्स बोलते हैं। तो वो कैसे आप कर सकते हो, वही हम प्रैक्टिकल इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ये एमएस वर्ड का कोर्स बहुत इन डेप्थ है, डिटेल में है, और इसी की तरह आप हमारे चैनल से एक्सेल, पावर पॉइंट और डिजिटल टेक्निकल के 50 से ज्यादा कोर्सेज सीख सकते हो, वो भी फ्री में। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फुट नोट को या फिर एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो चलिए, सबसे पहले तो ये फुट नोट होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए आपने देखा होगा, कई किताबों में आपने देखा होगा, नॉवेल्स में भी देखा होगा कि कुछ क्रिटिकल वर्ड्स बीच में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रिटिकल वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्टार बना हुआ होता है या फिर वन या टू लिखा होता है, और यहाँ पे नीचे की तरफ मान लीजिए आपका उसका मतलब लिखा होता है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है। अधिकतर मैंने एनसीईआरटी की जो इंग्लिश नॉवेल बुक्स हैं उसमें ये चीज़ देखी थी कि जो हार्ड मतलब वर्ड्स आते हैं जो समझ में ना आते हों, उनके ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है या वन या टू लिखा होता है, और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों बेसिकली लिखा होता है कि आप कैसे यहाँ पे उसका मतलब एक्सप्लेन किया होता है। तो चलिए मैं आपको ऐसा ही एक फुटनोट लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मेरे को ये SEO दिख रहा है, ये मतलब SEO जो आपको दिख रहा है, ये मैं अधिकतर अगर SEO में किसी आम आदमी को बोलूं उसका मतलब क्या होता है तो उसे पता नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं इसका मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो मैं इसका मतलब लगाऊंगा और यहां पे फुटनोट लगा के दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो फुटनोट दोस्तों, चलिए ये फुटनोट लगाने के लिए या तो आप इसे सेलेक्ट करिए या तो इसके आगे या पीछे आप एक बेसिकली कर्सर रख लीजिए। तो मैं तो दोस्तों यहां पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे बेसिकली लेके जा रहा हूं रेफरेंस में, रेफरेंस टैब में जाना है आपको, और यहां पे देखिए दोस्तों एक आपको इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों यहां पे वन लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपको लिख देना है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैं लिख दूंगा, आपका भी वर्ड का जो भी मतलब होगा आप यहां पे लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख दिया, अब मुझे जनरली ही अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके, ठीक है। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हो कि जो SEO लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये देखिए जो SEO लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, आप उसके ऊपर एक वन बना हुआ दिख रहे होंगे पावर में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको ध्यान से दिख जाएगा, ये देखिए दोस्तों, और जूम कर देता हूँ, ये SEO आपको दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको पावर वन बनी हुई दिख जा रही है, ठीक है। और यही आप जब नीचे आएंगे, नीचे दोस्तों पेज के नीचे आएंगे तो पेज के जो एंड में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वन लिखा हुआ है और यहीं पे दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है, मतलब जो वन पावर लिखी हुई है उसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप फुट नोट लगा सकते हैं। अगर वन के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरे वर्ड को क्लिक करिए और उसके बाद आप उस वर्ड का भी मतलब लिखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली टू लिखा आ जाएगा, उस वर्ड के ऊपर पावर टू है और यहाँ पे टू लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे आप फुटनोट आपका लगा हुआ है। और जैसे कि HTML के ऊपर भी मैं लगा सकता हूँ, HTML की फुल फॉर्म लगाऊंगा तो वो ऐसे ही फुटनोट वहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा। तो अभी मैं दोस्तों अब देखिए, अगर मैं इसके ऊपर या तो कर्सर लेके गया, अगर कर्सर लेके गया वन के पास, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जा रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, मैं जूम कर दूंगा, खैर इसमें तो जूम होगा भी नहीं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपको साफ दिख रहा होगा कि छोटे से बॉक्स में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख के आ जा रहा है, या फिर आप नीचे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आपको बेसिकली फुटनोट को हटाना है, माफ करिएगा, अगर आपको फुटनोट को हटाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और सीधे सीधे अपने जो कीवर्ड है उसकी डिलीट बटन को प्रेस करिएगा, डिलीट को एक बार, एक सेकंड दोस्तों। हाँ,
तो आप इस तरह से दोस्तों डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या था, सेलेक्ट करना था, डिलीट करना तो डिलीट तो करना ही था, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, उसके बाद दोस्तों इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब वहाँ ये देखिए फुट नोट यहाँ से हट चुका है। अब मुझे एक एंड नोट लगाना है, तो ये एंड नोट क्या होता है, जिस तरह से फुट नोट यहाँ पे पेज के आखिरी में होता है, एंड नोट में क्या होता है दोस्तों, एंड नोट में आखिरी में होता है, जब आपकी फाइल खत्म हो जाती है पूरी, उसके बाद एंड नोट शुरू होता है। तो एंड नोट अधिकतर आपने बुकों में देखा होगा या एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, जो आखिरी में लिखा होता है, कुछ वर्ड्स उनके मतलब लिखे होते हैं, बड़े बड़े जो किताबें होती है उनके आखिरी में लिखा होता है, तो उनको बोला जाता है एंड नोट। तो चलिए मैं एक एंड नोट लगाता हूँ, एंड नोट भी इसी पे लगाऊंगा दोस्तों, एसईओ पे ही लगाऊंगा। मान लीजिए एसईओ है, मैं यहाँ पे एक एंड नोट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रेफरेंस में जाऊंगा दोस्तों। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, आपको इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन दिखेगा फुट नोट के बगल में ही, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों हमारे कंटेंट के आखिरी में वन लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा सर्च मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जनरली कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और जो मेरा कंटेंट है वहां पे भी वन लिखा हुआ होगा, ये आप देख सकते हैं एसईओ के आगे वन लिखा हुआ है। अब भी मैं वही कर्सर लेके जाऊंगा, तब भी मुझे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दिखेगा ही दिखेगा। बस फर्क इतना होता है फुट नोट में कि फुट नोट पेज के आखिरी में होता है, एंड नोट में वो बिल्कुल आपके कंटेंट के आखिरी में होता है। डिलीट करने का ऑप्शन सीधा वही है, सेलेक्ट करिए और अपने माउस बटन के डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, वो आपका एंड नोट भी हट जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।